सभी साथियों को मेरा जोहार एवं स्वागत। इस वीडियो में, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं NATS के बारे में, मतलब नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के बारे में। जो भी आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा है, जिसको लेकर लगातार आप लोग हमसे मैसेज के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं, सबका जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगा। और साथ में किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कब ट्रेनिंग मिलता है, किस तरह से शॉर्टलिस्ट किया जाता है, हर एक चीज़ में बताने वाला हूँ। वीडियो लॉन्ग होगा, बट हाँ, आपका सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आगे की आने वाली हर एक नोटिफिकेशन के बारे में समय पर मिलते रहें। और साथ में अगर आपने अभी तक नहीं देखा हमारे नेट्स ट्रेनिंग रिलेटेड प्लेलिस्ट को, तो आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें हम हर एक चीज़ को पहले ही बता चुके हैं। नेट्स क्या होता है कि इस पर जो भी बातें मैंने बताया या कही है, वो सभी बातें हर साल कॉमन है, मतलब हर साल वही प्रकार वही प्रक्रिया चलती है। बस इस बार क्या हुआ कि 2023 में न्यू पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो बच्चे को बस यही दिक्कत हो रहा है। मैं उसमें बना दे रहा हूँ वीडियो, बट अगर नेट्स को समझना किसके लिए है, कौन अप्लाई कर सकता है, किनको ट्रेनिंग मिलता है, कौन सा ब्रांचों के लिए, वो सारा चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप बनाया हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, काफ़ी सारे बच्चे देखे ऑल ओवर इंडिया से। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको जानना है A to Z पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक नेट्स के बारे में, तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप से वीडियो को देखिएगा, ताकि आपका ही प्रश्न का उत्तर क्लियरिटी के साथ मिल सके। अब हम लोग अपने आ जाते हैं न्यू पोर्टल पर। गूगल क्रोम में जैसे आप लिखिएगा NATS, उसमें दो पोर्टल देखने को मिलेगा। पहला जो है वो MHRD NATS है, जो 2022 तक के बच्चों के लिए था, मतलब 2022 में जितने भी विद्यार्थी पास आउट किए थे, 2022 या इससे पहले वाले सभी बच्चे इसमें इनरोलमेंट करते थे, रजिस्ट्रेशन करते थे, इसी के द्वारा इनको ट्रेनिंग मिलता था। बट 2023 में क्या हुआ, इसी के नीचे में एक और है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से नेट्स का न्यू पोर्टल लॉन्च किया गया, इसमें करना था। बट हाँ, जब तक ये नहीं आया, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहले वाले में लॉगिन कर चुके होंगे, उनका एनरोलमेंट नंबर भी आ चुका होगा पहले वाला सही, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो 2023 वाला में कीजिएगा, और अभी तक आपने कर चुका है, चाहे वो 22 वाला में किया हो या फिर आप 23 वाला में किया हो, कोई परेशानी नहीं होने वाला। बस आपको एक क्या करना, मर्ज करना होगा, वही मैं लास्ट प्रक्रिया में बता दूंगा। पहले क्या करना, इस पर क्लिक कर लेते हैं। और साथ में जो बच्चे भी वर्तमान PTPT कर रहे हैं ना, उन सभी के लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो PTPT कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका ये सब झमेला बंद हो गया। आपके लिए भी एक प्रोसेसिंग है जिसको करना ज़रूरी है। इसमें जैसे ही खुलकर आइएगा, आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा स्टूडेंट और एस्टेब्लिशमेंट, इसमें आपको स्टूडेंट पर बस बेसिकली क्लिक कर देना है। यहाँ से मैं समझा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग के बारे में, किनके लिए है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, किस तरह से ट्रेनिंग मिलता है, ये सारा कुछ पहले ही बता दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आने के बाद क्या करना होगा, आपको स्टूडेंट रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इसमें क्लिक कर देते हैं। देखिए, होता क्या है कि आप डिप्लोमा या बीटेक की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे को प्लेसमेंट नहीं मिलता है, या फिर वो चाहते हैं कि प्लेसमेंट से पहले हम सरकारी नौकरी की तैयारी करें। तो सरकारी नौकरी की तैयारी आप साथ में एक डिप्लोमा या फिर बीटेक कंप्लीट करने के बाद में ट्रेनिंग के दौरान भी कर सकते हो। ट्रेनिंग में आपको उस तरह से काम नहीं करवाया जाता है, नहीं उतना वर्किंग आवर्स, ना वर्किंग लोड होता है। बेसिकली आप वहाँ ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग के माध्यम से क्या होता है कि आपको स्टाइपेंड मिल जाता है, पढ़ने का टाइम भी मिल जाता है, साथ में सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिस सर्टिफिकेट का बाकी कंपनी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है ए, ठीक है, आफ्टर कॉलेज इसको प्लेसमेंट मिला वाई कंपनी, एक्स कंपनी में। एक बच्चा है बी, इसको प्लेसमेंट नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला, ये क्या किया कि PDPT कर लिया, मतलब पोस्ट डिप्लोमा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर लिया। अब क्या है कि एक साल यहाँ जो बच्चा ए वाला काम किया, इसको जो वहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा, ये केवल उस कंपनी में वैलिड माना जाएगा, या फिर जिससे भी रिलेटेड, अगर प्राइवेट में नौकरी किया तो प्राइवेट कंपनी में माना जाएगा इंपॉर्टेंट। बट अगर ये PDPT सरकारी कंपनी से कर लेता है, तो किसी तीसरे कंपनी के समय में जब ये बच्चा पहुँचेगा अपने इंटरव्यू के लिए, और ये बच्चा, तो उस समय ये इसको इंपॉर्टेंस दे देगा जो बच्चा नेट्स के थ्रू ट्रेनिंग किया है। ये फ़ायदा देखने को मिलता है, ठीक है। बाद बाकी अगर आपको ये अनिवार्यता नहीं है कि करना ही पड़ता है, ये आपके ऊपर ऑप्शनल होता है, केवल माइनिंग के बच्चों को करना पड़ता है। कहाँ से करना है इनरोलमेंट, मैं दिखा चुका हूँ। इस पोर्टल में आने के बाद स्टूडेंट में क्लिक करने के बाद इनरोलमेंट, स्टूडेंट में नीचे देखा लिखा हुआ है स्टूडेंट रजिस्टर्ड, इस पर आपको क्या करना है भाई, तो फिलअप करना। क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट है,
हैव यू अंडरटेकिंग एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, क्या आप आज से पहले कभी ट्रेनिंग किए हैं? तो नहीं, अगर आप एक बार भी ट्रेनिंग किए होंगे तो आपको नेक्स्ट बार ट्रेनिंग नहीं दे सकता है। फिर लिखा डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ वन ईयर और मोर, कभी नहीं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब क्यों ट्रेनिंग देगा आपको भाई, नेट्स नो करना है। फिर लिखा हैव यू पास्ड आउट थ्रू रेगुलर और पार्ट टाइम डिस्टेंस, तो रेगुलर कोर्स जो बच्चे किए वो रेगुलर कर देंगे। आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। चलिए मैं यहाँ पर नन्हे एडुकेशन के नाम से रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो डेट ऑफ बर्थ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, 2000। उसके बाद में 17 अगस्त को मेरा जन्मदिन है, मैं वही डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर लिखा हुआ जेंडर, जेंडर में क्या करना है, मेल कर देना है। कैटेगरी क्या, तो याद रखिएगा इस समय में आप ध्यान रखिएगा, जो भी कैटेगरी को आप सिलेक्ट करते हो ना, अगर ट्रेनिंग अलाउड हो जाएगा तो वो सर्टिफिकेट को आपको दिखाना पड़ेगा। अगर उस वक्त नहीं रहेगा तो ट्रेनिंग के प्रोसेसिंग को आगे अपने कंटिन्यू कर पाइएगा। तो आप जो भी है आपके पास जो भी चीज़ बना उसको रियलिटी कीजिएगा। OBC, BC1, BC2 OBC करेंगे, अदर्स वाले अदर्स करेंगे, SC ST वाले तो जो जनरल से वो अदर्स में आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, आधार नंबर, आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर को लिखना है जो लगभग होता है 12 डिजिटों का। फिर आपको अपना आधार कार्ड का यहाँ पे क्या करना है, फाइल सेलेक्ट करना, मतलब PDF डाल सकते हैं जो 1 MB से कम का होना चाहिए। फिर लिखा हुआ किस स्टेट से बिलोंग करते हो, तो स्टेट भाई मेरा झारखंड है, आपका जहाँ से भी आप वहाँ से डाल दीजिए। लिखा डिस्ट्रिक्ट। और चैनल पर अगर पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए तो भाई अभी भी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द आप 5000 पहुंचा दीजिए। बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए, आप लोग सपोर्ट दिखाएं अपना अपना। फिर लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट टू विच इंस्टीट्यूट बिलोंग, आपका कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, तो मेरा कॉलेज देवघर में, देवघर कर दिया। फिर लिखा हुआ इंस्टीट्यूशन नेम, तो भाई देवघर जितना भी कॉलेज होगा ना वो सभी कॉलेज का नाम यहाँ खुलकर आ जाएगा। मैं कहाँ से पढ़ाई किया, मैं पढ़ाई किया मधुपुर पॉलिटेक्निक में, वो कर देता हूँ। फिर लिखा हुआ एडुकेशनल टाइप, कब पास आउट हुए हो, तो पास आउट किस ब्रांच से हुए तो वो आपको करना है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी किए हैं, तो हाँ भाई यही किए हैं हम। तो लिखा हुआ कोर्स नेम, तो कौन सा कोर्स किया, जितना भी ब्रांचेस है उस सब ब्रांचेस देखने को मिल जाएगा। हम क्या किए, माइनिंग इंजीनियरिंग है तो माइनिंग इंजीनियरिंग क्लिक कर दिए। फिर लिखा हुआ एक्सप्लाइजेशन, इसमें क्या है भाई कि क्या स्पेशली था मेरा सब्जेक्ट में, तो मैं कर देता हूँ माइनिंग इंजीनियरिंग था मेरा बेसिकली। फिर लिखा हुआ है यूनिक रजिस्ट्रेशन, इसमें क्या डलेगा, रोल नंबर, तो कॉलेज वाला रोल नंबर मत फिल कर दीजिएगा, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता होगा ना उसी को बेसिकली आपको यहाँ फिलअप करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉलेज वाला भर दिया। फिर लिखा हुआ ईयर ऑफ पासिंग, देखिए पहले बच्चों को मन में डाउट था कि भैया 2023 वाला का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट अब आपको देखने को 2023 भी मिलेगा, पहले 22 तक था। धीरे धीरे ये नया पोर्टल है, धीरे धीरे इसमें काम चलेगा, धीरे धीरे इसमें फीचर्स और ऐड होते जाएंगे, बट वक्त के साथ में होगी। एट अ समय आप बोलेगा कि हमको ये चीज़ नहीं दिखाई, ये चीज़ हो नहीं रहा, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। 23 दिख रहा है 23 कर देते हैं। मंथ ऑफ पासिंग, किस मंथ में पास किए, जिस मंथ में आपका रिजल्ट आउट हुआ, भले वो ओरिजिनल रिजल्ट बनकर नहीं आया हो, बट आपको ये मालूम चलेगा कि आपका इतना परसेंटेज आया, वो जिस दिन भी आया है उसी दिन का मंथ वाले को माना जाता है, ठीक है। फिर लिखा परसेंटेज, कितना परसेंटेज आपका आया है, तो आपको यहाँ पर कन्वर्ट कर लेना, अगर आपको CGPA में है, अगर परसेंटेज में है तो डायरेक्टली परसेंटेज आप लिख दीजिएगा। मेरा आया था भाई 84.88, ठीक है। फिर लिखा हुआ ईमेल आईडी, याद रखिएगा कि अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर इसमें जो भी फिलअप कीजिएगा उसको ट्रेनिंग मिलने तक अपने पास रखिएगा। ट्रेनिंग मिलने का समय 3 मंथ से लेकर 3 साल भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाने के बाद में स्टेप 2 जो होता है कंपनी सिलेक्शन का, वो कब किए हैं आप, कौन कंपनी सिलेक्शन किए हैं, उसके बाद में किस प्रकार से आपको कंपनी शॉर्टलिस्ट करता है, शॉर्टलिस्टिंग किस आधार पे होता है, इसके ऊपर बकायदा मेरा ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, मतलब आप डायरेक्टली नेल्स के पोर्टल में जाइएगा ना, प्लेलिस्ट मेरा ना, उसमें कुछ सारा कुछ बताया हुआ है, बस देखने का काम आपका है। पासवर्ड रजिस्टर करके अब आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो मैं जो बेसिक डिटेल्स मेरा है उसमें उसको फिल करता हूँ और आगे बढ़ के दिखाता हूँ। सारा कुछ फिलअप करके अब क्या करना है, स्टूडेंट रजिस्टर पर हमको बेसिकली क्या करना, क्लिक करना होता है कि अगला स्टेप खुलकर मेरे सामने आ सके। मैं चलिए इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसमें क्लिक किए एक पॉपअप खुल के सामने आ गया, क्या लिखा हुआ, प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक सेंड थ्रू ईमेल, मतलब जो भी ईमेल आईडी हमने डाला था उसमें एक लिंक आया होगा जिस पर क्लिक करके हमको अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा पहले। चलिए हम लोग अपने जीमेल बॉक्स में आते हैं और अपने ईमेल को चेकआउट करते हैं। हम सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, बस आपसे एक निवेदन रहेगा, इस वीडियो को अपने हर एक दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जो भी पास आउट आपके साथ में किए हैं, और हमको सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा ताकि आगे की जो भी अपडेट्स होगा, क्योंकि
इसको अप्लाई करने से नहीं हो जाता है, अप्लाई करने के बाद में कौन सी कंपनी कब वैकेंसीज निकाली है उस अकॉर्डिंगली आपको उसको फिलअप करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको ट्रेनिंग मिल सकता है। तो जुड़ कर रहिएगा, तो टेलीग्राम में हम अपडेट्स डालते ही रहते हैं, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा और चैनल के माध्यम से भी मिल जाएगा, ठीक है। मुझे ईमेल आ चुका है, इसमें लिखा यू हैव सक्सेसफुली इनरोल्ड टू, इस नया पोर्टल में आ चुका है। यहाँ पे एक बेसिकली लिखा हुआ योर वेरिफिकेशन लिंक, इस लिंक पे बेसिकली मुझे क्लिक करना है और जो आगे का स्टेप्स होगा उसको मुझे फॉलो करना होगा। चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ दिख जाएगा ग्रीन रंग का योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड प्लीज़ लॉगिन, मतलब दोबारा से लॉगिन कीजिए, जो स्टेप्स आगे छूट गया था उसको कंप्लीट करना है ताकि मुझे इनरोलमेंट नंबर मिल सके। अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आई एम श्योर कि आपको इनरोलमेंट नंबर 3 दिन के अंदर में आराम से मिल जाएगा। अगर आपने कुछ गलती कुछ मिस्टेक खुद से कर लिया है बिना किसी का वीडियो देखे हुए तो उसकी जिम्मेवारी आपकी खुद की है। और अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो को भी देखकर किया होगा तो आपको नंबर नंबर मिल चुका होगा, क्योंकि जितने बच्चे ने उस वीडियो को देखकर एनरोलमेंट किया सबका एनरोलमेंट नंबर आ चुका है। यहाँ मुझे लॉगिन करना है ताकि मैं स्टेप्स को फॉलो कर सकूँ। मैं दोबारा से स्टेप को लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही हमने लॉगिन किया इसके बाद में 5 स्टेप्स का फॉर्म आया, बेसिक डिटेल्स, एडुकेशनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, ट्रेनिंग प्रीफ्रेंस और बैंक डिटेल्स। सभी चीज़ों को मुझे फॉलो करना होगा, द फॉलो मीन्स सभी चीज़ को फिलअप करना होगा और सही सही फिलअप करना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी मन में आया और भर दिए, ऐसा करने से ही इनरोलमेंट नंबर नहीं आ पाता है और नंबर अगर आ भी जाता तो आपको ट्रेनिंग नहीं मिल पाता है। अब बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेनिंग प्रीफ्रेंस। ट्रेनिंग प्रीफ्रेंस बच्चे क्या करते हैं कि रखते हैं झारखंड बिहार बंगाल और नौकरी और ट्रेनिंग खोजते हैं दिल्ली बॉम्बे में, वैसा नहीं होता। जिस स्टेट में वो ट्रेनिंग करने का मन है उस स्टेट में देखिए कंपनी कौन कौन सी है और उसी कंपनी को आपको फिलअप करना पड़ेगा ताकि आपको ट्रेनिंग वहाँ मिल सके। ये बेसिक फंडा है ट्रेनिंग मिलने का। इसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग का जो काम HRD के द्वारा होता है वो तो होगा ही होगा, बट अपने तरफ से आप ओके रहिए कि आपने सही काम किया है, ठीक है। चलिए भरते हैं बेसिक डिटेल्स क्यों। यहाँ सबसे पहले हमको क्या करना है, अपना एक फ़ोटो को अपलोड करना। चलिए मैं अपलोड कर देता हूँ भाई फ़ोटोज़ को। उसके बाद में क्या करना है, नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ, मेल अदर, अदर नहीं देख लेते चेक करके, तो भाई इसमें जनरल का ऑप्शन नहीं है तो जनरल बच्चे अदर्स में ही क्लिक करते हैं। फिर आपको मम्मी का नाम पापा का नाम लिखना होगा। चलिए मैं फिलअप कर देता हूँ। मैं बेसिकली ये फॉर्म मैं गलत भर रहा हूँ, बस आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ इसलिए मैं कुछ भी भर दे रहा हूँ। ABCD इसमें लिख दे रहा हूँ, EFGH, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, व्यू आधार, और आगे में क्या होगा, नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन होगा। यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है माइनॉरिटी का, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो यस या फिर नो करिएगा, ठीक है। फिर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें अगर आपका डिफेक्टिव मतलब जो भी मेडिकल प्रॉब्लम होता है वो अगर है तो यस, और अगर नहीं है तो नो कीजिएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे आना है। चलिए मैं आता हूँ और स्टेप 2 को फॉलो करता हूँ। स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो चुका है, स्टेप 2 में क्या आ रहा है भाई, तो एडुकेशन डिटेल्स, इसमें जो जो चीज़ मांगा जाएगा उसको फिलअप करना होगा। लिखा हुआ है यहाँ पे आने के बाद में ईयर ऑफ पासिंग, कब मैंने पास किया, तो 2022 से मैंने पास आउट किया, मैं उसको फ्लिप कर, देखिए हाँ हुआ यहाँ पे 2023 नहीं आ रहा है। बेसिकली आप चेकआउट कर सकते हो, जो 2023 स्टार्टिंग में दिख रहा था वो चीज़ अभी यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, 2022 ही देखने को मिल रहा है। तो 22 के 23 वाला बच्चों का अभी नहीं आया है, क्योंकि देखिए झारखंड में रिजल्ट आ चुका है 6 सेमेस्टर का, बट बाकी स्टेटों में रिजल्ट नहीं आया। तो सभी जगह अगर आ जाएगा तो इस पोर्टल को अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ तक देखे हो तो आप मन छोटा बिल्कुल ना करें, बल्कि 2022 तक में जो बच्चे लोग जहाँ से कर रहे थे पहले वाले में, आप वहाँ पर भी जाके इनरोलमेंट कर सकते हो। आपको इनरोलमेंट नंबर वहाँ से भी मिलेगा और ट्रेनिंग वहाँ से भी मिलेगा। उसको करने के बाद में आप यहाँ पर आके केवल लॉगिन कर सकते हो। मैं दिखा दूँगा कि अगर वहाँ से जो बच्चे पहले ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर अभी इनरोलमेंट अगर वहाँ से करते हो तो किस तरह से आपको वो अकाउंट और इस अकाउंट को मर्ज करना होगा, वो मैं चेकआउट करवाने वाला हूँ लास्ट में, इसलिए वीडियो में अभी भी बने रहें, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेंगे, ईयर ऑफ पासिंग को मैं चूज़ कर लूँगा 2022। फिर लिखा हुआ मंथ, तो किस मंथ में पास किया था भाई, मैं तो अगस्त में पास किया था भाई। फिर कितना परसेंटेज आया, तो लिखा हुआ है अपलोड प्रोविजनल सर्टिफिकेट या पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आपके पास प्रोविजनल है तो भी चलेगा, अगर वो नहीं है, अगर डायरेक्टली ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो लास्ट सेमेस्टर वाला रिजल्ट को अपलोड यहाँ करना होगा, जो 1 MB से कम का होना चाहिए। फिर लिखा हुआ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, तो आपने किस प्रकार से किया, 10th के बाद किया, 12th के बाद किया या ITI के बाद किया। तो मैंने क्या किया था, 12th के बाद, 12th तक की पढ़ाई की थी बट मैंने 10th के बाद ही डिप्लोमा किया, इसलिए मैं 10th पे क्लिक करूँगा। आप इसके बाद क्या करूँगा, फिर लिखा हुआ है कि भाई कहाँ से किए थे, स्कूल वाला मैंने कहाँ कहाँ है स्कूल, तो मैंने स्कूल का पढ़ाई किया झारखंड, तो मैं झारखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ।
स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा ध्यान से शांतिपूर्ण दिमाग से, ताकि आपसे गलती ना हो। एक गलती होने के बाद में BOPT कोलकाता, BOPT नागपुर, BOPT आपको दिल्ली, BOPT साउथ में जाना पड़ सकता है। ये डिपेंड होता है आपके डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में कि आप किस जोन में आते हो। फिर लिखा हुआ स्कूल का नाम क्या है मेरा, तो मेरा स्कूल नाम था DAV कुशुंडा, तो मैं उसको फिलअप कर लेता हूँ। मेरा स्कूल का बोर्ड था CBSE, उसको सिलेक्ट कर लिया। फिर लिखा हुआ इनरोलमेंट नंबर, इसका मतलब क्या होगा, तो आपका जो रोल नंबर होगा उसको फिलअप करना, टेंथ में जो रोल नंबर आपका था उसी को फिलअप करना। फिर लिखा हुआ कितना परसेंटेज आया था, तो मैंने टेंथ में 87% आया था, उसको मैं फिलअप कर दिया हूँ। फिर लिखा हुआ अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में लिखिए, तो लिख सकते हो कि आपका अंदर क्या क्या स्किल्स, आपका क्या हॉबीज, मतलब अपने बारे में कुछ भी, माई सेल्फ ये, मैं यहाँ का रहने वाला, मेरा गार्जियन का नाम ये हुआ, अपने बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस लिख रहा हूँ नन्नी एजुकेशन, ताकि बच्चे सब्सक्राइब करें, वरना केवल वीडियो देखिएगा, कन्फ्यूजन मन में रहेगा, स्टेप टू में देखिएगा। फिर लिखा जनरल स्किल्स, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स है उसको लिखिए, तो मैं देता हूँ भाई यूट्यूबर हूँ तो यूट्यूबर ही लिखूँगा। देखिए मैं दो बार लिख चुका हूँ, क्या लिखा हुआ अबाउट माई सेल्फ में, माई सेल्फ क्या क्या है, इसमें लिखा हुआ कि ये सब चीज़ का क्या क्या यूज नहीं कर सकते हैं, ओनली ये स्पेशल करेक्टर ये अलाउड एंड स्पेस आर नॉट अलाउड, स्पेस आर नॉट अलाउड मतलब स्पेस नहीं देना है। ठीक है, चलिए मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। फिर नीचे में एक ऑप्शन है कि लैंग्वेज नॉन, मतलब आपको कौन सा लैंग्वेज आता है, हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं लिख दिया हिंदी और लिखता हूँ सेव एंड कंटिन्यू में करता हूँ। ठीक है, और सॉरी मैं अपलोड किया नहीं था प्रोविजन, इसको अपलोड कर देता हूँ पहले। जो भी स्टेप्स आप छोड़ चुके होंगे या फिर जो भी डिटेल्स आप फिलअप नहीं कीजिएगा, तो वो आपको दिख जाएगा कि अब आपसे क्या छूटा है, जिस तरह भी हमसे छूटा था ना, दिख जाता है, तो दोबारा चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, मतलब आपका एड्रेस, आपका पिन कोड, आपका घर द्वार कहाँ पे है, तो सही सही से भरना है। इन फ्यूचर में अगर किसी प्राइवेट कंपनी या फिर PSU कंपनी में आपने ट्रेनिंग किया, वहीं पे आपको जॉब मिल गया, तो वो लोग जो आपको ज्वाइन लेटर भेजेंगे तो किस एड्रेस से भेजेंगे, तो बहुत कुछ सोच समझ के देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दीजिएगा, जो रियलिटी आपका ओरिजिनल एड्रेस है उसी को फिलअप कीजिएगा। चलिए मैं फिलअप कर देता हूँ। ऐसा आप सभी जानते हैं कि मेरा एड्रेस कहाँ पर, भाई मैं धनबाद के भूली शहर में रहता हूँ, जिसका मैप में भी लोकेशन दिया हुआ, नन्नी एजुकेशन लिखिएगा तो देखने को मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड, एड्रेस क्या हो गया, तो भूली ई ब्लॉक में मैं रहता हूँ, ई ब्लॉक सेम एड्रेस मेरा प्रेजेंट एड्रेस भी है, परमानेंट एड्रेस भी लिखता हूँ, सेम एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। फिर आपका आ गया यहाँ पे ट्रेनिंग प्रिफ्रेंस, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, और बच्चे को ट्रेनिंग मिलना ना मिलना बहुत कुछ पे डिपेंड करता है, मगर बच्चे की तरफ से डिपेंड अगर करता है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेनिंग प्रिफ्रेंस में, कि आपने अपने तरफ से क्या क्या प्रिफ्रेंस को फिलअप किया। अगर मैं फॉर्म भरूँगा किसी चीज़ का, तो मैं मुझे तैयारी उसी चीज़ का करना होगा, फॉर्म भरेंगे इसका तैयारी करेंगे कुछ और का तो नहीं ना हो पाएगा, उसी तरह से लिखा हुआ है। समझिए क्या इसका मतलब क्या है, कौन कौन सा स्टेट में आप ट्रेनिंग करना चाहते हो, और हर एक स्टेट में आपको एक डिस्ट्रिक्ट बताना होगा। ठीक है, उसका टोटल आपको 3 स्टेट बताना है। तो देखिए इस प्रेफर स्टेट क्या, तो पहला जो बच्चे जिस स्टेट से होते वो चाहते हैं उनको ट्रेनिंग वहीं मिले, ये बहुत अच्छी बात है, बट सोचिएगा कि आपके सीनियर्स को कहाँ पर मिला, ये फोकस करिएगा कि आपके सीनियर्स को किस स्टेट में मिला ट्रेनिंग, और उस स्टेट को पहले भरिएगा अगर ट्रेनिंग पहले लेना है। और अगर आप चाहते हो कि कभी भी मिले, समय लगे तो लगे, बस आपको ट्रेनिंग मिलने से मतलब होगा, तो उस कंडीशन में आप अपने मन से भी स्टेट भर सकते हो। हमने क्लिक किया झारखंड, फिर क्या किया डिस्ट्रिक्ट, झारखंड में किस डिस्ट्रिक्ट में, तो जो भी कंपनी में आप करना चाहते हो, जहाँ रहते हो वहाँ से मतलब नहीं है, जहाँ पढ़ाई की वहाँ से भी मतलब नहीं है, झारखंड में जिस कंपनी को लेकर आप सोच रहे थे कि भाई मुझे ट्रेनिंग यहाँ मिल जाए, काश मेरे सीनियर्स को यहाँ ट्रेनिंग मिला हुआ है या उनको ट्रेनिंग मिला तो हमको भी मिल जाए, तो वो कंपनी का जहाँ पे भी मेन ऑफिस होगा, हेडक्वार्टर होगा, HRD होगा, उस डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट में उनका मेन ऑफिस है, ठीक है, आपने क्या कर दिया धनबाद क्लिक कर दिया, तो नहीं मिल पाएगा ना, रांची में मेन ऑफिस है, रांची क्लिक करना होगा आपको। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट क्या हो गया भाई, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर रांची। फिर लिखा हुआ स्टेट 2, झारखंड के अलावा कौन सा स्टेट चलेगा आपको, तो आपके अकॉर्डिंगली आप भर सकते हो। मैं झारखंड के अलावा क्या भर दूंगा, मुझे करना है झारखंड के अलावा अंडेमारे निकोबार। फिर लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट, तो जो डिस्ट्रिक्ट है निकोबार उसको भर सकता हूँ। फिर लिखा हुआ स्टेट 3, तो स्टेट क्या होगा, तो असम कर दूँ, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या होगा, तो मैं यहाँ पे कहाँ गया, नागौर, हाँ।
लिखा फील्ड ऑफ प्रीफ्रेंस, मतलब कि आप किसी भी ब्रांच से हो, ऐसा नहीं कि आपको अपने ब्रांच में ही ट्रेनिंग मिल सकता, आप चाहो तो अपने सेक्टर्स को चेंज करके भी ट्रेनिंग ले सकते हो, हर कुछ बताया हुआ पहले, आप चेकआउट बिल्कुल कीजिएगा। क्या लिखा हुआ प्रीफर्ड फील्ड, इस पर क्या भाई अब कहाँ करना है ट्रेनिंग, तो मिल देता हूँ यहाँ पे कहाँ गया कंस्ट्रक्शन, फिर लिखा हुआ फील्ड टू में क्या करना है, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे एडुकेशन, फिर कर देता हूँ मैं यहाँ प्रीफर्ड थ्री में सर्विस। याद रखिएगा ये सब ऐसे ही मैं नहीं भर रहा हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए केवल भर रहा हूँ, ठीक ना। बाद में आपको समझना पड़ेगा कि आपका ब्रांच का जॉब किस सेक्टर में होता है, उसके अकॉर्डिंगली भरिएगा। किसी को मन होगा सोलर एनर्जी में, तो एनर्जी में क्लिक कर देगा, वहाँ भी ट्रेनिंग मिल सकता है, सब चीज़ समझना होगा। अब बेसिकली आप लोग टेक्निकल की पढ़ाई किए तो टेक्निकल सिलेक्ट कर सकते हैं, लिखा हुआ माइनिंग के लिए भी एक ऑप्शन इस बार देखने को मिल रहा है, ऑयल एंड गैसेज अदर पावर सभी सेक्टर यहाँ देखने मिला, सर्विस, ठीक ना। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब आ गया आखिरी और मेन चीज़, आपका बैंक डिटेल्स। देखिए अगर आपको नेट्स के थ्रू ट्रेनिंग मिलता है तो पेमेंट फिक्स नहीं होता, अगर आपको गवर्नमेंट कंपनी में ट्रेनिंग मिलेगा तो वहाँ पेमेंट फिक्स है कि डिप्लोमा वाले को मिलेगा 8,000 मंथली, अब बीटेक वाले को मिलेगा 9,000 महीने, ये सरकारी कंपनी की स्टाइपेंड होता है। बट अगर आप प्राइवेट कंपनीज़ के में या फिर PSU कंपनी में ट्रेनिंग करते हो तो उनका स्टाइपेंड अलग अलग होता है। बहुत सारे प्राइवेट और PSU वाले आफ्टर ट्रेनिंग आपको वो फिक्स भी कर लेते हैं अपने पास, बट सरकारी में ऐसा नहीं होता। सरकारी में ट्रेनिंग कीजिए, वहाँ सर्टिफिकेट लीजिए और वहाँ से निकल जाइए, फिर तैयारी करके नौकरी के द्वारा उसमें नौकरी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जो डिटेल्स आप फिलअप कीजिएगा, आपको अगर ट्रेनिंग मिल जाता है तो आपका पेमेंट इसी अकाउंट में आएगा। और याद रखिएगा कि आप जो भी अकाउंट दे रहे हो वो आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए ताकि आपको पेमेंट आ सके, अन्यथा आपको स्टाइपेंड मिलने में बहुत प्रॉब्लम होगा। ये होगी अब बैंक डिटेल्स के बारे में, इसको आप फिलअप खुद से भी कर सकते हो और लास्ट स्टेप को सबमिट करके आगे भी बढ़ सकते हो, ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि देखिए ट्रेनिंग आपको बच्चों के मन में होता है ना कि भाई प्राइवेट कंपनी में ट्रेनिंग कैसे मिलता होगा, ये तो सरकारी वेबसाइट है, सरकारी पोर्टल है। तो प्राइवेट हो, PSU हो या सरकारी हो, किस हर कंपनी को एक निर्देश दिया गया है, जो निर्देश एक कानून के तहत दिया गया है, अप्रेंटिस एक्ट 1961, इसके तहत हर कंपनी को यह बोला गया है कि आप अपना टोटल मैन पावर जो भी काम कर रहे हो, उसमें जितना भी मैन पावर आपका इन्वेस्ट हो रहा कंपनी का, उसका टोटल मैन पावर का 10% निकालना है। वो परसेंटेज में कितना मैन पावर होता है और उस 10% की संख्या में आपको बच्चों को, जो फ्यूचर आने वाले हमारे जनरेशन के फ्यूचर जनरेशन है, उनको सिखाना होगा वही काम को, ताकि वो लोग भी अपने अपने पैरों पे खड़ा हो सके, स्किल्स को डेवलप कर सके। तो हर एक कंपनी को निर्देश दिया गया है, इसलिए हर एक सरकारी कंपनी, PSU कंपनी, यहाँ तक कि प्राइवेट कंपनी भी अप्रेंटिस निकालती है, बच्चों को बुलाती है, सिखाती है, ये सब होता है। तो ट्रेनिंग आपको कहीं मिल सकता है, इस ये करने के बाद में ट्रेनिंग मिलने जाता है। ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन का स्टेप हुआ, इसके बाद का स्टेप होता है इनरोलमेंट नंबर आने का। पहला होता है रजिस्ट्रेशन, जिसको मैंने दिखा चुका आज, फिर आपका इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा। नंबर आने के बाद में आप कंपनी को सिलेक्ट करते हो, इसको कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट, उसको करते हो। उसके बाद में क्या होता है कि कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करता है, और शॉर्टलिस्ट के बाद में किस प्रकार से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, उसका एक ही माध्यम है, आपका ईमेल और आपका मैसेज, जिस जो नंबर आपने यूज किया था उसी मैसेज आ जाता है कि भाई आपको मिला है कि नहीं मिला। और अगर मिला है तो डाउनलोड कीजिए अवार्ड लेटर को, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, वेरिफिकेशन करवाइए चार्टी में जाकर डॉक्यूमेंट दिखा के, और ट्रेनिंग को ज्वाइन कीजिए। ये स्टेप्स होता है। ये हो गया फुल पोर्टल्स के बारे में, मतलब 2023 में जो बच्चे पास आउट होने वाले हैं वो पहले वाले पोर्टल में कर सकते हैं, और जिनको नया में करना, जो अभी तक नहीं किए 22 के पास आउट 21 के पास आउट वाले, वो अभी भी इसमें कर सकते हैं। और अगर आपने ट्रेनिंग पहले से कर रही है, मतलब 2022 में पास आउट हुए होंगे, 21 में पास आउट हुए होंगे, 20 में पास आउट हुए होंगे, और अगर आप ट्रेनिंग अभी वर्तमान में किसी भी जगह पे कर रहे हैं तो आपको इस नया पोर्टल में लॉगिन करना होगा, अपने अकाउंट को मर्ज करना होगा। और साथ में जो बच्चे 2023 में अभी पास आउट हुए, जुलाई अगस्त में झारखंड वाले बच्चे हैं, और पहले वाले पोर्टल में इनरोलमेंट कर दिए, उनको 101 नंबर मिल भी गया है, तो उनको भी इसमें लॉगिन करना होगा। किस तरह लॉगिन करना होगा मैं दिखा देता हूँ कि आपके ईमेल में एक मेल आया होगा, आप चेकआउट करिएगा, एक मेल आया होगा AICTE की तरफ से, हमको तो भाई 23 जून को ही आ गया था, जिसमें ये लिखा हुआ था, डियर स्टूडेंट, दिस एक्सटेंडिंग मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन NTS पोर्टल विच यू हैव बीन यूजिंग टू परसूज अप्रेंटिस
ट्रेनिंग माइग्रेट टू न्यू ए पोर्टल, मतलब जो वर्तमान से आप यूज करते हुए आ रहे हो उसको न्यू पोर्टल बदल दीजिए, क्योंकि दिस न्यू पोर्टल हैज़ इन अपडेटेड वर्जन, मतलब ये जो अभी दिखाया मैं जिसमें रजिस्ट्रेशन करके, ये एक अपडेटेड वर्जन है किसका, ओल्ड पोर्टल का, विथ अ बेटर लुक, फास्ट रिस्पॉन्ड टाइम एंड एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ में है। करना कुछ नहीं है, इसमें लिखा हुआ क्लिक ऑन द बिलो गिवन ब्लू स्टेप्स को फॉलो, लिखा हुआ है कि कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना। आपके मेल में एक मेल आया होगा जिसमें लिखा होगा कि भाई आपने अगर 2022 वाला में लॉगिन कर दिया है, वहां से ट्रेनिंग कर रहे हो, या फिर आपने लॉगिन किया आपको इसके केवल एनरोलमेंट नंबर भी मिला, ट्रेनिंग नहीं भी मिल पाया है, तब भी आपको इस पोर्टल में दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा ताकि आपको आगे का जो स्टेप्स है उसको कंप्लीट किया जा सके। करना क्या है, इस लिंक पर क्लिक करना होगा, फिर लिखा हुआ यहाँ पर इंटर योर ईमेल अब पासवर्ड रीसेट, में जो पासवर्ड पहले से आपने बनाया है उसको रीसेट कीजिए, चेंज कीजिए। उसके बाद लिखा हुआ ओपन द मेल, क्लिक ऑन द लिंक एंड इट विल रिडायरेक्ट टू पासवर्ड रीसेट पेज, मतलब इसमें आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप ऑटोमेटिकली डायरेक्ट हो जाइएगा पासवर्ड रीसेट पेज में, वहाँ पे क्या कीजिए पासवर्ड को चेंज कीजिए, चेंज करने के बाद में पोर्टल में आइए और वहाँ पर लॉग इन कर लीजिए। चलिए मैं दिखा देता हूँ इसको भी करके, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया फॉरगेट पासवर्ड स्टूडेंट आ गया, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, जो भी ईमेल आपने नेट्स के समय में यूज किया था उसको डाल के सबमिट पे क्लिक करना। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। फिर इस तरह का पॉपअप मैसेज आया, योर रीसेट पासवर्ड लिंक इज सेंड टू योर ईमेल, प्लीज़ चेक, मतलब जो भी मेरा पासवर्ड का लिंक है उसको फिर से मुझे मेल किया गया, उस पर फिर से क्लिक करना होगा। भाई मैं कर लेता हूँ, जो लिंक पर मैंने क्लिक करके यहाँ तक बढ़ा है ना लास्ट वाला, मतलब पासवर्ड चेंज करने वाला, उसको उस लिंक को मैं क्या करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, आप लोग उस लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करके अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। बट उन्हें ही करना है जो बच्चे 2022 में पास आउट हुए होंगे और नेट्स पहले वाले में लॉगिन करके एनरोलमेंट नंबर लेकर ट्रेनिंग कर रहे उनको करना है, और साथ में अगर आपने 22 या फिर 23 में पास आउट हुआ है बट आपने अगर पहले वाले वेबसाइट में, दिखा देता हूँ इस वेबसाइट में, अगर ये वाला वेबसाइट में अगर आपने लॉगिन किया है, आपका नॉर्मल नंबर आ गया है, ट्रेनिंग कर रहे हो, नहीं मिला कुछ भी, इसमें काम किए थे, तो इसमें क्या करना होगा, ऐसे बच्चे लोगों को उस लिंक पे क्लिक करके पासवर्ड को सेट करना होगा, ठीक है, जिसका स्टेप मैं लास्ट में बता रहा हूँ उसको ध्यान से आप देखिएगा, नहीं देख पाए तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये लिंक पर क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करने के बाद में पासवर्ड सेट करना होगा नॉर्मली, तो मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ अपने मनचाहा पासवर्ड, मैं इसमें रख लेता हूँ न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड मैं चलिए रख लेता हूँ भर के। फिर मैं यहाँ पे सबमिट क्लिक कर दिया हूँ, जैसे सबमिट क्लिक करूँगा मेरा पासवर्ड ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा सक्सेसफुली, उसके बाद का केवल एक ही स्टेप बचता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए, बहुत लंबा वीडियो बना रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत समझा रहा हूँ, केवल सपोर्ट के लिए, सपोर्ट कीजिएगा तभी कुछ आगे बता पाऊँगा। अगर सपोर्ट नहीं मिलता इस वीडियो में तो फिर मैं अब कुछ नहीं बताऊँगा, क्योंकि जितना बताने का था मैं हद से ज़्यादा बता चुका हूँ पहले ही। एक मैसेज आ चुका, पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉगिन एंड चेक, मतलब आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है, इसको एक बार आप चेक कर लीजिए लॉगिन करके। तो कहाँ लॉगिन करना है, तो पहले वाले में नहीं, न्यू वाले में। अब जो भी बच्चे थे, पीटी मिलने वाले बच्चे, नहीं मिलने वाले बच्चे, सबको क्या करना है, नए वाले में लॉगिन करना है। चलिए मैं दिखाता हूँ लॉगिन करने का भी स्टेप, बस बहुत सिंपल है, इसमें दिख रहा होगा आपको यहाँ पर स्टूडेंट करके, अगर नहीं दिख रहा तो डेस्कटॉप साइड में उसको ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको स्टूडेंट का कॉलम, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में रजिस्ट्रेशन का स्टेप को वो फॉलो करेंगे जो अभी तक इनरोलमेंट किसी भी पोर्टल में नहीं किए हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने पुराना पोर्टल में लॉगिन किया है, रजिस्ट्रेशन कर लिया तो नया में करना होगा, नहीं नया में करना नहीं होगा, केवल आपको पासवर्ड को रीसेट करके लॉगिन करना होगा, इसके अलावा करना नहीं होगा। और जो अभी तक नहीं किए, चाहे वो बच्चे 2023 वाले हो, 22 वाले हो, 21 वाले हो, 20 वाले हो, वो कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में ये केवल डिप्लोमा के लिए नहीं है, बीटेक के लिए भी और सभी ब्रांचेज़ के लिए हैं। तो नेट्स को समझ लीजिए, पहले नेट्स किसके लिए है और किन के लिए नहीं है, कैसे ट्रेनिंग मिलता है, किस तरह का फील्ड में काम करना पड़ता है, उसको समझने के बाद में इस फील्ड में दिमाग लगाइए, अन्यथा केवल समय बर्बाद होगा आपका। लॉगिन कहाँ से करना है, तो मैं पूरा वीडियो जो बनाया हूँ 28 मिनट का, इसमें मैं दिखाया हूँ स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे करना, अब मैं बता रहा हूँ लॉगिन कैसे करना। लॉगिन का पहले का जो स्टेप्स होता है पासवर्ड रीसेट करने का, वो मैं 2-3 मिनट पहले बता चुका हूँ आपको। यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है, अपने ईमेल आईडी पासवर्ड को फिलअप करना है, ठीक है। चलिए मैं फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद में आराम से आप लॉगिन हो जाइएगा। उसके बाद में एस्टेब्लिशमेंट क्लिक करके सर्च करके पीटी का ट्रेनिंग को यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी खो सकते हो अगर आपको अभी तक नहीं मिला है, और अगर मिल गया तो फिर टेंशन ही नहीं, बस लॉगिन करना था केवल आपका।
उम्मीद है बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ समझाया, समझ में आ चुका होगा। मैंने 5-6 दिन का समय इसलिए लिया था बच्चों का रिक्वेस्ट आने के बाद भी, ताकि मैं पहले खुद से समझ सकूं कि हाँ न्यू पोर्टल क्या है, ओल्ड पोर्टल क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है, किन के लिए है, किन के लिए नहीं है, किस तरह से है। इसको समझ के मैं इसलिए बता रहा हूँ लेट से ना, ताकि मैं जो भी बात कहूँ वो 100% सही बात हो हर बार की तरह, और साथ में मेरे बेटे को देखने के बाद में बच्चों को मैंने कुछ कन्फ्यूजन ना रह जाए, सब कुछ बता दिया हूँ। हाँ घुमा फिरा के बताया हूँ, बट हाँ समय लगा मगर सही सही बताया हूँ। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लीजिए एक बार, क्या दिक्कत है भाई। तब तक मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, जय भारत।